हाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद है और मेरा नाम है रोहन, और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीएनए पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत अमेजिंग वीडियोस देखने वाले हैं। वो वीडियो नेम क्या है? वीडियो नेम मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो गाइस, देखते हैं कुछ अनोखा है। हाँ, बिल्डिंग्स, हालांकि हम लोगों का इधर भी अभी बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हुआ है हम, लेकिन ये बिल्डिंग में क्या बात है, चलिए देखते हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिल्डिंग दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स की लिस्ट में आती है, और उस बिल्डिंग में एक ऐसा मिरर लगा हुआ है जिसमें सूरज की रोशनी पड़ने पर पूरी बिल्डिंग में रोशनी हो जाती है, और एक और दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग जमीन और आज में कोई फर्क ही नहीं है। और मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स लेके आया हूं, ये तो मतलब पहाड़ शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। मैंने जमीन में और जमीन में जो होने थे, इंडिया की भी एक बिल्डिंग शामिल है पहले कभी सुना होगा और ना ही उसे कभी देखा होगा। चलिए आज देख लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10 पर है वन सेंट्रल पार्क। ये बिल्डिंग सिडनी में है, जिसे 2012 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2013 में ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो गई। वन सेंट्रल और दोनों ही बिल्डिंग्स में लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए पेड़ पौधों को लगाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग में 250 से ज्यादा फूलों की प्रजातियों को लगाया गया है, जहाँ पर आपको हर एक फूल अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। ये पूरी बिल्डिंग मिक्स्ड यूज के लिए है, जिसमें रेस्टोरेंट, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, ये सारी चीजें हैं। और इस बिल्डिंग का शॉपिंग मॉल स्वीडन के सबसे फेमस शॉपिंग मॉल्स में से एक है। इस बिल्डिंग में जितने पेड़ पौधे आपको बाहर देखने को मिलते हैं, उतने ही पेड़ पौधों को बिल्डिंग के अंदर भी लगाया गया है। वन सेंट्रल पार्क एक बहुत ही साइलेंट बिल्डिंग है, जहाँ पर लोग अक्सर मीटिंग्स करने के लिए आते हैं, दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है। और पूरी बिल्डिंग का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जहाँ पर खड़े होकर आप पूरे सिटी का व्यू ले सकते हैं। और इसी डेक के नीचे एक ऐसे मिरर को लगाया गया है, जिस पर सूरज की किरणें पड़ने के बाद वो उनकी लाइट को बिल्डिंग के अंदर रिफ्लेक्ट कर देता है। लाइट आती है, और जहाँ पर नेचुरल लाइट आती है, वहाँ पर तो भाई आप समझ ही सकते हो कि उस बिल्डिंग का नजारा देखने के लायक होता है। इस इतने सारे पेड़ पौधे होने की वजह से ये पूरी बिल्डिंग कलरफुल दिखाई देती है। ये बिल्डिंग ब्यूटीफुल होने के साथ साथ अपने नाम बहुत सारे अवार्ड्स भी कर चुकी है। नंबर 9 पर है पार्क रॉयल कनेक्शन पीकरिंग। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है, और सिंगापुर की बिल्डिंग्स का तो आपको आई थिंक पता ही होगा कि क्या ही खूबसूरत बिल्डिंग्स होती है। ये पूरी बिल्डिंग लग्जरी होटल और ऑब्जर्वेशन के लिए है, जो 2013 में बनके कंप्लीट हो गई थी। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 16 फ्लोर्स हैं, और इन 16 फ्लोर्स में 367 रूम्स हैं, और इसमें सिर्फ एक रेस्टोरेंट है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। इस पूरी बिल्डिंग की खूबसूरती इसमें लगे गार्डन इस बिल्डिंग को और भी ज्यादा अमेजिंग बना देते हैं। इस बिल्डिंग में रहने वाले बिल्डिंग के अंदर का डिजाइन बहुत ही यूनिक है, और इसमें एक्सपेंसिव मार्बल्स का भी यूज किया गया है। इस बिल्डिंग को देखने पर लगता है जैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग बस कुछ खंभों पर ही खड़ी है। और इस बिल्डिंग के अंदर जो अपार्टमेंट या रूम्स हैं, वो कई ऐसे रूम्स नहीं है जो कि नॉर्मल रूम्स हो, वो सारे के सारे लग्जरी रूम्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। नंबर 8 पर है बैंक ऑफ चाइना टावर। ये टावर बैंकॉक में है, और इसके नाम में ही बैंक है, तो ये बिल्डिंग एक ऑफिस बिल्डिंग है, जिसे 1985 में बनाना स्टार्ट किया गया था, और ये बिल्डिंग 1990 में बनके कंप्लीट हो गई। बिल्डिंग का डिजाइन नाइट के समय पे देखने पर एक डायमंड की तरह लगता है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर जो लाइटिंग लगाई गई है उसे कुछ इस तरह से लगाया गया है, जिससे कि ये बिल्डिंग नाइट के समय में एक डायमंड की तरह ही दिखे। और जैसा कि इस टावर के ऊपर सारी डिजाइन ट्रायंगुलर शेप में बनाई गई है, वैसे ही ये बिल्डिंग भी है, मतलब कि बिल्डिंग भी ट्रायंगुलर शेप में ही है। ये बैंक ऑफ चाइना टावर इतना ज्यादा पुराना है, फिर भी इसे आज के समय में देखने पर ऐसा लगता नहीं है कि ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा पुरानी होगी, क्योंकि इस बिल्डिंग की खूबसूरती का
लेकर आज इस टावर की हाइट 367.4 मीटर है, जिसे 1204.5 फीट भी बोल सकते हैं, और इसमें टोटल 72 फ्लोर्स हैं और 2 फ्लोर्स को अंडरग्राउंड बनाया गया है। ये बैंक ऑफ चाइना टावर 1989 से लेके 1992 तक हांगकांग की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन अभी इस टाइम पर यह बिल्डिंग हांगकांग की फोर्थ सबसे ऊंची बिल्डिंग है। नंबर 7 पर है किंग पावर महानाखून। ये बिल्डिंग बैंकॉक में है और इसके नाम में जो महानाखून है उसका हिंदी में मतलब है महान महानगर। इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस बिल्डिंग को डैमेज किया गया है या फिर तो अभी तक ये बिल्डिंग लग तो रहा है डैमेज, डेकोरेशन बीच से निकाल लिया है कुछ ना कुछ, बिल्डिंग को डिजाइन ही ऐसे किया गया है, कर दिया है और ये बिल्डिंग 2016 में बन के कम्प्लीट हो गई। इसकी हाइट 314 मीटर है, जिसे 1020 फीट। इसी हाइट के साथ ये बिल्डिंग बैंकॉक की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इसमें टोटल 78 फ्लोर्स है। ये बिल्डिंग एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें होटल, रिटेल, पब्लिक ऑब्जर्वेटरी ये सारी चीजें हैं। बिल्डिंग के इस यूनिक डिजाइन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा और इसी डिजाइन के साथ ये बिल्डिंग अपने नाम बहुत सारे अवार्ड्स भी कर चुकी है। इसका ऐसा डिजाइन होने की वजह से इसके ऊपर ग्लास पैनल्स को लगाना सबसे ज्यादा हार्ड था, लेकिन सक्सेसफुली इस डिजाइन के ऊपर ग्लास पैनल्स को भी लगा दिया गया। नंबर 6 पर है मोड का क्वीन कोकोन टावर। ये टावर टोक्यो में है। अभी के टाइम में जो नॉर्मल बिल्डिंग्स बन रही है एकदम ही सिंपल टोक्यो का है, जिनके ऊपर कोई भी डिजाइन नहीं किया जाता है। ये बिल्डिंग उन सभी बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही यूनिक डिजाइन पैटर्न बनाया गया है और इस डिजाइन के ऊपर बहुत ही बारीकी से काम भी किया गया है। इस बिल्डिंग को 2006 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2008 तक ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो गई, जिसकी हाइट 204 मीटर है, जिसे 669 फीट भी बोल सकते हैं। ये पूरी बिल्डिंग होटल, ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स के लिए नहीं है बल्कि ये बिल्डिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए है और इस पूरी बिल्डिंग में 3 अलग अलग स्कूल्स हैं। इस बिल्डिंग की जितनी हाइट है, इस हाइट के साथ ये बिल्डिंग टोक्यो की 17वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची एजुकेशनल बिल्डिंग है। ये टावर टोक्यो के सबसे बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन के पास है, जहाँ से ऑल टाइम शोर या आवाजें आती रहती है, जिससे बिल्डिंग के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसी वजह से इस टावर के ऊपर ऐसे ग्लास पैनल्स को लगवाया गया जिससे बाहर का कोई भी साउंड बिल्डिंग के अंदर ना जा सके और फिर किसी भी बच्चे को पढ़ने में आवाज़ों की वजह से डिस्टर्ब ना हो। नंबर 5 पर है EDRC बिल्डिंग, जिसकी फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग डिजाइन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी, और गाइस यही वो बिल्डिंग है जो कि इंडिया के चेन्नई में है। ये बिल्डिंग इंडिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए फेमस है। एक फ्लोर के ऊपर कोई दूसरे फ्लोर को रख दिया हो और इसकी हर एक फ्लोर एक त्रिभुजाकार में है। ये पूरी बिल्डिंग एक ऑफिस बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं। प्लेट वगैरह बिछा दिया टाइप का लग रहा है और इस बिल्डिंग के और पास चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाया गया है। नंबर 4 पर है एक्वा टावर। ये टावर शिकागो में है जो कि 82 स्टोरीज टावर है। इसे 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2009 में ये टावर कंप्लीट हो गया। इस टावर का डिजाइन देख के आप इससे जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे क्योंकि इसका डिजाइन नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत अलग है। इस डिजाइन को नीचे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे हवा में इस बिल्डिंग के बाहर कुछ बह रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस डिजाइन को डिटेल में देखोगे तो ये सारी इस बिल्डिंग की बालकनीज है, जिसे हम छज्जे भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे घरों में बाहर की साइड निकली हुई जो छतें होती हैं, वैसा ही कुछ ये इस बिल्डिंग में है, लेकिन इसे एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया है। इस बिल्डिंग के डिजाइन को लेकिन जिस डिजाइन को सिलेक्ट किया गया वो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये बिल्डिंग एक मिक्स्ड यूज के लिए है जिसमें होटल, रिटेल, ऑफिस ये सारी चीजें हैं और इस टावर के 80 फ्लोर के ऊपर गार्डन, स्विमिंग पूल, हॉट ट्यूब्स, वॉकिंग एंड रनिंग ट्रैक और एक फायर पिट भी है। इस एक्वा टावर को 2009 में एम्पोरिस स्काईस्क्रैपर का अवार्ड दिया गया और 2010 में इसे इंटरनेशनल हाई रिस्क बर्ड अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। ये टावर देखने में आपको जितना छोटा लगता है उतना छोटा ये है नहीं, क्योंकि इस टावर में 334 होटल्स हैं और 747 अपार्टमेंट्स हैं। जब ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हुई उस टाइम पर ये बिल्डिंग एक महिला द्वारा डिजाइन की गई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग को एक लेडी ने डिजाइन किया है। नंबर 3 पर है बॉस्को वर्टिकल। ये बिल्डिंग इटली में है, जिसे 2009 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2014 में ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो गई। अभी तक मैंने इस ब्यूटीफुल जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़े, गार्डन जाने की जरूरत नहीं है, सब तो यहीं पे बिल्डिंग में गार्डन नहीं जंगल वगैरह वगैरह। और इस बिल्डिंग में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उन सभी अपार्टमेंट की अपनी एक अलग बालकनी है और उस बालकनी में ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत पेड़ पौधों को लगाया गया।
बिल्डिंग में 480 बड़े पेड़ हैं, 300 छोटे पेड़ हैं और 11,000 बारहमासी बिल्डिंग को कवर करने वाले पेड़ पौधे हैं, जो कि पूरी साल बिल्डिंग में हरे भरे रहते हैं। अब इस बिल्डिंग में इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो इनकी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारे वर्कर्स को रखा गया है। जैसे कोई भी पेड़ जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको काट दिया जाता है। वर्टिकल की दो बिल्डिंग है और दोनों ही बिल्डिंग में जमीन बना दी है। सातों टावर में से जो इस बिल्डिंग का मेन टावर है वो टावर 2020 में बनके कंप्लीट हो चुका है। बाकी के 6 टावर 2021 से 2023 तक बनके कंप्लीट हो जाएंगे। इस बिल्डिंग के हर एक फ्लोर पर एक पार्किंग है जिस पर आप चल के पूरी बिल्डिंग का एक चक्कर काट सकते हैं, जिसे एक वॉकिंग और रनिंग ट्रैक की तरह भी यूज किया जा सकता है। इन सभी बिल्डिंग्स में टोटल 573 अपार्टमेंट्स होंगे और हर अपार्टमेंट के अंदर और बाहर हरियाली होगी। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए स्केटिंग रिंग, मिनी गोल्फ कोर्स, स्पोर्ट कोर्स, रूफटॉप पूल्स, योगा और स्नैपिंग रूम्स भी होंगे। ये बिल्डिंग पहाड़ों के बीच में है और पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर बारिश होती है, तो बारिश के पानी को स्टोर करके रखा जाएगा, जिसे फिल्टर करने के बाद पेड़ पौधों को वही पानी दिया जाएगा, जिससे पानी को रिसाइकल भी किया जाएगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। अभी ये बिल्डिंग देखने पर इतनी अच्छी लग रही है, तो फिर जब ये बिल्डिंग 2023 तक बन के कम्प्लीट हो जाएगी तो फिर इसे देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस फाइनली अब हम बात करते हैं हमारी नंबर वन बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है ग्रीन विला बाई MVRDB। ये बिल्डिंग नेदरलैंड में है। अभी तक आपने सभी बिल्डिंग्स में देखा कि पेड़ पौधों को या तो बालकनी में रखा गया है या फिर उन्हें रखने के लिए अलग से कोई जगह बनाई गई है। लेकिन भाई इस बिल्डिंग में पेड़ पौधों को रखने के लिए एक अलमारी है, हर एक अलमारी में उसके अलग पेड़ को रखा गया है। ये पूरी बिल्डिंग 3 फ्लोर्स की है और हर एक फ्लोर की अलमारी में पेड़ पौधों को रखा गया है। जितने पेड़ पौधे बिल्डिंग के बाहर है उतने ही छोटे छोटे पेड़ पौधों को बिल्डिंग के अंदर भी रखा गया है। इन सभी पेड़ पौधों की और पौधों को पानी लगना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वेस्ट भी नहीं होता है और इस काम के लिए अलग से कोई वर्कर भी नहीं रखना पड़ता है। और जो मैंने आपको लास्ट बिल्डिंग के बारे में बताया था कि बारिश के पानी को स्टोर करके इन्हीं पेड़ पौधों को लगाया जाता है, ऐसा ही सेम इस बिल्डिंग में भी किया जाता है। बारिश के पानी को स्टोर करने के बाद उसे फिल्टर करके उस पानी को इन पेड़ पौधों को दिया जाता है। वैसे गाइस आने वाले समय में जिन बिल्डिंग्स को भी बनाया जाएगा उन्हें ये सोच के भी बनाया जाएगा कि लोगों को नेचर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। मैं अपनी इस वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात कर चुका हूँ कि भाई आने वाले समय में जो सिटी या बिल्डिंग बनने वाली है उन्हें कैसे बनाया जाएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि चाइना में एक ऐसा सिटी बनाया जा रहा है जो कि पूरा सिटी कारलेस होगा और उस सिटी के बिल्डिंग्स के ऊपर भी हरियाली को लगाया जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर मिल जाएगा, आप वहां से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस ये थी टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने इन सभी बिल्डिंग्स में से किसी भी एक बिल्डिंग को किसी भी वीडियो में देखा है या नहीं, क्योंकि पूरा ग्रीन सब तरफ मजा आ गया देखते हुए वीडियो। मैंने जंगल को अब जन्नत अपना बेडरूम में लेके रख लिया, कोई समझ लिया, क्योंकि वैसे भी हरियाली अभी बहुत घट रही है क्योंकि पब्लिक इतना बढ़ रहा है, तो अभी जंगल काटते हुए इंसान आगे बढ़ रहा है, जंगल में घर बसा रहा है, तो क्या करे इंसान, जंगल को अपने घर में लेके आ रहा है। और पर जो भी था घर बहुत बिल्डिंग बहुत सुपर माइंड ब्लोइंग था, जो इंजीनियर जो इसे रेडी किया मतलब कि हाँ कलाकारी है, मैंने आप बोल सकते हो मास्टरपीस। जैसे कि मैंने सुना ही है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया जब तो हाथ काट दिया था, शायद ये लोगों का भी वैसे कर सकता था। वो पुराने जमाने का बात है, अभी वैसा नहीं है, अभी जो भी अच्छा काम करता है उसको और काम करने के लिए उकसाया जाता है, फिर उसे वो चीज बनाना चाहिए, उस टाइम का बात नहीं है, ये और भी बनना चाहिए हम लोग का। बिल्कुल पूरा वर्ल्ड में और भी अच्छी चीज है, खूबसूरत चीज है, और हमें जरूर बताइए, कमेंट करिए और क्या क्या हम लोग उस पर देख के रिएक्शन दे सके प्लीज। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू।